अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू मीरोज वर्ल्ड। तो कैसे हैं आप सब? आई होप यू ऑल आर फाइन। और मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। आज के व्लॉग में मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ एक छोटा सा रिव्यू रॉयल दरबार रेस्टोरेंट का, जो मीरपुर खास में है। मैंने आपको ऑलरेडी पहले व्लॉग में मैंने आपको बताया था कि मेरी नंदे वेकेशन पर आई हुई थी, उनके बच्चे आए हुए थे, तो हम तब यहाँ गए थे। और अब का ये तब का व्लॉग है, लेकिन मैं अब आपसे शेयर कर रही हूँ जो है सारे जब वेकेशन पे आ गए थे तो हमने यहाँ पे चिल आउट करने हम लोग बाहर निकले थे। इस टाइम जो है 11 तो बज ही रहे थे या 11 से ज़्यादा ही बज रहे थे, और हम 1 बजे वापस आए थे। और काफ़ी टाइम जो है वो ठंड भी काफ़ी थी, और ठंड में जो है वो घूमने का मज़ा ही कुछ और है। आप लोग बताइएगा कि आप लोगों को ठंड में घूमने में मज़ा आता है या नहीं। अच्छा, तो मैं आपके साथ रिव्यू शेयर करती हूँ इस रेस्टोरेंट का, कि यहाँ पे काफ़ी चीज़ें अवेलेबल हैं। हांडीज़ हैं, बारबेक्यू है, बेवरेजेस एंड चाइनीज़, ऑल द वैराइटीज़ आर अवेलेबल इन दिस रेस्टोरेंट। आप लोग ज़रूर आएँ, ट्राई कीजिएगा। डील्स भी हैं यहाँ पे, और काफ़ी फ्रेश खाना होता है, और डाइनिंग और प्लस फूड काफ़ी दोनों ही अच्छे हैं। अगर आप लोग ढूंढ रहे हैं मीरपुर में कोई ऐसा रेस्टोरेंट जहाँ का खाना और डाइनिंग दोनों अच्छे हों, तो ज़रूर आप लोग यहाँ आ सकते हैं। और अगर जो लोग आ चुके हैं तो उन लोगों को पता होगा बेहतर कि काफ़ी अच्छा खाना और प्लस डाइनिंग दोनों यहाँ पर है। तो बात कर लेते हैं अब खाने की। तो हमने ऑर्डर किया था यहाँ पे चाइनीज़, और चाइनीज़ में हमने ये चाउमीन ऑर्डर किया था, चिकन चाउमीन। चाउमीन में भी काफ़ी रेंज है, लाइक वेजिटेबल चाउमीन भी है, और हमने जो है यहाँ पे क्लब सैंडविच ऑर्डर किया था, और साथ में हमने पिज़्ज़ा ऑर्डर किया था। और बात कर लें पिज़्ज़े की, तो पिज़्ज़ा जो है हमें काफ़ी जगह का नहीं पसंद आता, लेकिन यहाँ का पिज़्ज़ा भी काफ़ी अच्छा था। पिज़्ज़ा फर्स्ट टाइम मैं यहाँ का ट्राई कर रही थी, और चाउमीन और सैंडविच तो मैं पहले ऑलरेडी ट्राई कर चुकी हूँ। और खाना काफ़ी अच्छा था, और गरम गरम सर्व करते हैं। डाइनिंग साफ़ सुथरी, और तख़त भी है, यानी अगर आप लोग तख़त पे बैठना चाहते हैं, और अगर इंडोर बैठना चाहते हैं तो इंडोर भी बैठ सकते हैं। तो ओवरऑल खाना बहुत अच्छा था। अगर आप लोग आएँ ज़रूर ट्राई करें, और मुझे बताइएगा कमेंट सेक्शन में कि आप लोगों को कैसा लगा यहाँ का खाना, क्योंकि यहाँ पे कम ही प्लेसेस हैं मीरपुर में, और जो अच्छी हैं वो मैं आपके साथ शेयर करूँगी, और जहाँ की डाइनिंग भी अच्छी नहीं है वहाँ पे भी जाके मैं आपके साथ शेयर करूँगी। क्योंकि ऐसी बात नहीं है कि वहाँ का खाना अच्छा नहीं है, लेकिन डाइनिंग और थोड़ा सा जो है ना वो साफ़ सुथरा माहौल इतना नहीं है, लेकिन मैं आपके साथ शेयर करूँगी ज़रूर इंशाल्लाह। तो ये किटकैट शेक, तो आई एम इन लव विद दिस किटकैट शेक, क्योंकि मुझे इतना ज़्यादा पसंद है, और जब भी मैं जाती हूँ किटकैट शेक तो ज़रूर ही मैं जो है पी कर आती हूँ। अगर आप लोगों ने भी पिया है तो आपको ऑलरेडी पता होगा कितना अच्छा है, और इसकी आई थिंक इतनी डिमांड बढ़ गई है कि इसके जो है वो प्राइस भी इन्होंने बढ़ा दिए हैं। पहले कुछ 250 का था आई थिंक, सो अब जो है इन्होंने 300 का कर दिया है। मुझे तो पता भी नहीं है, ज़ाहिर बैंक दौलत पाकिस्तान जब साथ होता है तो फिर हमें किस बात की टेंशन करनी क्यों। तो ये बहुत अच्छा है, इतना ज़्यादा चॉकलेटी भी नहीं है, कड़वा भी नहीं है। अगर आप लोग सोचेंगे चॉकलेट फ्लेवर है, कड़वा होगा। और बेहतरीन बात ये है कि होम डिलीवरी भी यहाँ पे अवेलेबल है। और भी रेस्टोरेंट्स हैं मीरपुर में जो अच्छे हैं बहुत, और भी रेस्टोरेंट्स ऐसे हैं जहाँ की डाइनिंग इतनी कुछ खास नहीं है, वो भी मैं आपके साथ शेयर करूँगी। तो आज का व्लॉग यहाँ पर एंड करती हूँ। दुआ में मुझे याद रखिएगा, अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, और कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आप लोग किस किस तरह के कॉन्टेंट और देखना चाहते हैं। स्टे हेल्दी, स्टे सेफ। अल्लाह हाफ़िज़।